हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने विटारा ब्रेजा के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर टाइम आता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इस टाइम को चेंज करने के लिए आपको अब जो व्हीकल है वो इग्निशन मोड में रहना चाहिए, यानी कि जैसे आप अगर आप ZDI प्लस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो दो बार आपको पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे कोई वेरियंट्स यूज़ कर रहे हैं विटारा ब्रेजा के, जैसे VDI, LDI या फिर ZDI भी, तो उनके लिए आपको जो आपकी की है एक बार आप रोटेट करते हैं तो उसमें आपका जो बैटरी ऑन हो जाती है, स्विच ऑन हो जाता है। सेकंड बार आप उसको रोटेट करते हैं तो आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। तो इग्निशन ऑन मोड में आपका व्हीकल होना चाहिए। इग्निशन ऑन में अपना व्हीकल लाने के बाद आपको ये जो लेफ्ट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नॉब दी गई है, एक ये राइट साइड में नॉब दी गई है यहाँ पे, इन दोनों नॉब्स को इकट्ठा एक साथ एक बार क्लिक यानी प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपको जो आवर्स, ये जो घंटों वाला जो टाइम है, ये ब्लिंक करने लग जाएगा। इसको आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो आप बढ़ा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो इसको घटा सकते हैं। जैसे आपके जो आवर्स के वाला जो टाइम है, जैसे घंटों वाला जो टाइम है सेट हो जाए, उसको आप एक बार फिर से राइट साइड की नॉब को प्रेस कीजिएगा। फिर आप मिनट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनट सेट करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर, क्लॉकवाइज करेंगे तो आपके मिनट्स बढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपके मिनट्स घटेंगे। जैसे आप टाइम सेट कर दें, फिर से एक बार जो राइट साइड वाली नॉब है उसको एक बार प्रेस कर दें और आपका ये टाइम सेट हो जाएगा। सो दोस्तों, Have a great day. Keep breathing. Please subscribe and like my channel. Please share this video. Thank you so much.